हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट, एसएससी अड्डा 24/7 पे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज 19 जुलाई के इस बेहतरीन सेशन का, जिसमें देखेंगे कि हम लोग क्या बेहतर और क्या अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें, भले हम चिल्ला रहे हैं लेकिन तबीयत अंदर से गड़बड़ चल रही है। लेकिन अभी एक दोस्त ने एक छोटी सी रील दिखाई कि सावन में नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, उसमें बड़ा इधर उधर की बातें थी, तो हमारा हंसते हंसते मजा आ गया। तो इसलिए थोड़ा सा हम मजेदार मूड में आ गए कि चलो भैया थोड़ा मजेदार मूड में रह करके क्लास को ले लिया जाए। तो शुरुआत करें आज के लेक्चर का। सर आ गए जी, 500 होते सर आ गए। अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, शुरुआत कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लाने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान दे करके सेशन को हैंडल करिएगा। और तिरंगा सामने आया है तो सबसे पहले एक बार सैल्यूट करिएगा, ठीक है ना। तो चलिए तिरंगे को सैल्यूट किया जाए, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है ना। तिरंगे को सैल्यूट करके फिर आगे बढ़ा जाए, और आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा जब तिरंगे को हम लोग सैल्यूट करेंगे, ठीक है। तो एक सेकेंड, ये चीज ठीक है ना। आइए अगले पॉइंट पे जाते हैं। तिरंगे को सैल्यूट करने के बाद, सर्दी ठीक हो गई सर? नहीं लल्ला, सर्दी ठीक नहीं हुई, लेकिन संघर्ष जारी है, ठीक है। देखो सर्दी जुखाम ना 2 से 3 दिन रहता ही रहता है, आज दूसरा दिन है, कल तक और रहेगा, फिर सही हो जाएंगे, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी बताइएगा। देखिए सर, अभी हम लोग करेंट अफेयर में, अभी मोदी जी फ्रांस ही गए थे 1789 में, बास्टिल डे परेड, जो बास्टिल का विध्वंस हुआ था, बास्टिल डे परेड में अभी नरेंद्र मोदी जी भाग लिए थे। भारत की तरफ से त्रिसेवा दल, मतलब इंडियन आर्मी, एयर फोर्स और आपके क्या कहा जाता है नेवी, तीनों ने भाग लिया था। और जब नरेंद्र मोदी जी फ्रांस गए थे तो इनको वहां का अवार्ड भी वहां पे दिया गया, नरेंद्र मोदी जी को अवार्ड भी दिया गया। ये सब पॉइंट याद रखेंगे। आर्य समाज की शुरुआत किसने की थी? बड़े आज नॉर्मल क्वेश्चन है, सच कहूं तो थोड़े आज नए क्वेश्चंस नहीं बना पाया हूं। तो इसका राइट आंसर क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती। बिंबिसार कहां का शासक था? देखिए सर, बिंबिसार शासक हुआ करता था मगध का, और बिंबिसार किस वंश का फाउंडर हुआ करता था? हर्यक वंश का फाउंडर हुआ करता था। बिंबिसार के बाद जो अगला शासक बना, दैट वाज अजात शत्रु, और आपके वो सब क्या, अजात शत्रु भी मतलब मेरे कहने का मतलब है कि मगध पे शासन किया, ठीक है ना। मगध पे शासन बहुत सारे लोगों ने, अजात शत्रु ने किया, उदाइन ने किया, सबने किया हुआ है मगध के ऊपर शासन, ठीक है। तो ये अच्छा, आपको एक चीज और बताएं, हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। बक्सर का युद्ध कहां कब लड़ा गया था? युद्ध कहां लड़ा गया था नहीं, कब लड़ा गया था, ठीक है ना। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? वेन वॉच, ठीक है ना। तो सर अगर बक्सर के युद्ध की बात करें, 1764 में लड़ा गया था। किसने लड़ा था? तो एक तरफ अंग्रेज था आपके हेक्टर मुनरो, ठीक है ना, हेक्टर मुनरो नाम का एक अंग्रेज था, जो कि भारत के 3 शासकों के विरोध में लड़ा था, 3 शासक के विरोध में लड़ा था 1764 ईस्वी में। जबकि 1757 में कौन सा लड़ा गया था? तो 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, वो तो आपको अच्छे से याद होगा। एक को बोल रहा है रिकॉर्डेड क्लास लग रहा है, मारेंगे ना, सही हो जाओगे, रिकॉर्डेड लग रहा है। एक तो ससुर सर्दी जुखाम में आके पढ़ाओ तब भी कर रहा है, रिकॉर्डेड लग रहा है बाब। अगला, प्रथम बौद्ध संगीति किसके? हाँ ये है कि आज के क्वेश्चंस मैंने थोड़े पुराने ले लिए हैं, ये बात एक्सेप्टेड है, ठीक है, ये बात एक्सेप्टेड है। तो अगली पॉइंट, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? सर देखिए, पहली वाली अजात शत्रु, आज दूसरी वाली काला शोक, दूसरी बौद्ध संगीति काला शोक के अंडर में की गई थी, तीसरी यहां पे दूसरी हुई थी सर, अशोक में थर्ड हुई थी, ठीक है ना, अशोक में थर्ड हुई थी, और फर्स्ट वाली हुई थी आपके अजात शत्रु में, और जो फोर्थ जो हुई थी वो कनिष्क के समय हुई थी, क्लियर है ना, वो कनिष्क के समय हुई थी। अगला, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, ये 1905 ईस्वी में बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष भी थे, बनारस में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की बैठक हुई थी उसके अध्यक्ष भी थे। इनके द्वारा एक संस्था बनाई गई थी यार, जिसको तुम लोग याद रखना, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, क्लियर है ना, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया
सोसाइटी, ये उसके क्या रहे हैं, फाउंडर मेंबर रहे हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। और अगर यही बात पूछ देता गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन है, तो गोपाल महादेव गोविंद रानाडे, क्लियर है ना, महादेव गोविंद रानाडे जी इनके गुरु रहे हैं, किसके, गोपाल कृष्ण गोखले के। तो ये भी बात आप याद रखेंगे। 1905 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी किए हैं और इन्हीं के समय बंगाल विभाजन भी हुआ है। नेक्स्ट, मंगल पांडे कहां के सिपाही थे, आज की आप तारीख याद करो तो सर 19 जुलाई मंगल पांडे जी का जन्म जुलाई 1837 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कल सुबह 8 बजे की करंट अफेयर में इनके बारे में बात किया जाएगा। कल सुबह 8 बजे करंट अफेयर में मंगल पांडे का एक जो नारा है, मारो फिरंगी को, ये बहुत फेमस है, क्लियर है ना, मारो फिरंगी को, ये बहुत ज्यादा फेमस है। दूसरा, मंगल पांडे जी ने दो अंग्रेजों को मार करके गिरा दिया था, ह्यूशन और बाघ, ठीक है ना, ह्यूशन और बाघ को, ये हुआ। अगला पॉइंट आते हैं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई थी, सर बाबर और लोदी के बीच में, ये वाली तो दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है ना, ये दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी और जो कि हुई थी 1556 ईस्वी में, ये हुई थी 1526 ईस्वी में, और फिर तीसरी आपके अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी 1761 ईस्वी में। तो पानीपत के ये पहली लड़ाई का रिजल्ट है कि भाई उसमें बाबर जीता था, इब्राहिम लोदी हारे थे। और ये जो इब्राहिम लोदी है, याद रखना, युद्ध मैदान में मरने वाला पहला शासक है मध्यकाल का। ये जो लोदी है इब्राहिम लोदी, ये युद्ध मैदान में मरने वाला, युद्ध मैदान, क्लियर है ना, युद्ध मैदान में मृत्यु, मध्यकाल का पहला शासक जिसकी मृत्यु युद्ध मैदान में हुई थी, दैट वॉज इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का साथ इस युद्ध में किसने दिया था, किस शासक ने, तो ग्वालियर के शासक ने साथ दिया था, ठीक है ना, ग्वालियर के शासक ने साथ दिया था। होता क्या, ठीक है ना, अगले पॉइंट पे जाते हैं, देखते हैं, देखो एक हो, क्या क्या लिख रहे सर, आज क्या क्या बतिया रहे हैं यार, ठीक है ना, एक बार भैया तुम लोग सर डिस्क्रिप्शन में जो, अरे वो कमेंट बॉक्स इतना तेजी से चला जा रहा है कि मैं देखिए कितनी हेल्पफुल होंगी एग्जाम के लिए, भैया बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी, अब वो सब बात अपना छोड़ो, ठीक है ना, रुको एक लोग का अगले क्वेश्चन, इसका आंसर आप दे लीजिए, तब तक मैं आपसे थोड़ा सा बात करना, ठीक है ना, चलो अब आइएगा इस पे बात करते हैं। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, सर टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, मैसूर। इसकी मृत्यु कब हुई थी, 1799 ईस्वी में। इससे सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आप लोग को याद होगा कि इसने फ्रांस का एक क्लब था भारत में जिसका नाम था जैकोबियन क्लब, क्या नाम था, जैकोबियन क्लब, जिस जैकोबियन क्लब में इस टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, तंत्रता, ठीक है ना, स्वतंत्र का विच इस टीपू सुल्तान ने लगाया था इसी जैकोबियन क्लब में। ये जैकोबियन क्लब किनका था, सर ये जैकोबियन क्लब फ्रांस वालों का था, क्लियर है, ये जैकोबियन क्लब फ्रांस वालों का था। पंजाब केसरी की उपाधि किसे प्रदान की गई है, पंजाब केसरी की उपाधि, तो पंजाब केसरी की उपाधि लाला लाजपत राय जी को, क्लियर है, लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। हम आप कम से कम, मैं व्यक्तिगत तौर पे 10-12 बार ये बता चुका हूंगा कि कांग्रेस के 1911 के सेशन में जगह था कलकत्ता, जगह था कलकत्ता, और अध्यक्षता की थी पंडित विशन नारायण धर ने, क्लियर है ना, पंडित विशन नारायण धर जी, विशन जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। अब यहीं पे अगर जनगण आपके पूछ देता वो क्या कहते हैं वंदे मातरम, तो वंदे मातरम 1896 ईस्वी में गाया गया था और जगह थी कलकत्ता और अध्यक्षता की थी रहीम तुल्ला सयानी जी ने। तो जनगण मन और आपके क्या वंदे मातरम, इन दोनों को जरूर याद रखना कि कब कौन गाया था। अब क्वेश्चन को अगर टफ करना हो तो फिर वो ये भी बन सकता है कि भाई इसको गाया किसने था, किस महिला ने, याद रखना सरला देवी, ठीक है ना, सरला देवी जी ने इसको सबसे पहले गाया था, सरला देवी जी ने इसको गाया था, यह भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो 11 क्वेश्चन हुए। अब देखो ऐसी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन, एक दिन में कोई सिकंदर नहीं बना है कि आप भी एक दिन में पढ़ के, थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन मिलकर के एक दिन बड़ा कलेक्शन बनता है। कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रक रोड की मरम्मत किसने करवाई थी, सर देखिए
आपके ऑकलैंड ने करवाई थी। यही वो व्यक्ति है जिसने शेर शाह सूरी द्वारा बनवाए गए सड़क ए आजम, सड़क ए आजम का नाम चेंज करके क्या रखा था, जीटी रोड रखा था। तो ये भी पेपर में कितनी बार क्वेश्चन आता है कि जीटी रोड किसने बनवाया। तो जीटी रोड या सड़क ए आजम शेर शाह सूरी ने, लेकिन उसको रीनेम किसने किया, तो रीनेम किया था आपके किसने, तो वो आपके किया था लॉर्ड ऑकलैंड ने। क्लियर है ना। और चूंकि अब इन सब के नाम में लॉर्ड लॉर्ड लगा रहता है तो आदमी कह देता है, अदरवाइज कोई सेंस भी नहीं निकलता है कि इनको हम लोग कुछ कहें। अगला, मद्रास का संस्थापक, देखो मद्रास का, मुंबई का, कलकत्ता का, ये तीन आपको याद होना चाहिए कि कौन किसका संस्थापक था। ठीक है ना, ठीक है ना। मद्रास का, मुंबई का, कलकत्ता का आपको याद होना चाहिए। तो सर इसका राइट आंसर क्या बनेगा, फ्रांसिस डे। और जॉर्ज चारनाक, चारनाक नाम का जो व्यक्ति था जॉर्ज चारनाक, ये कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, कलकत्ता का। ओंगियार मुंबई का, एक ओंगियार नाम का व्यक्ति था, वो मुंबई का संस्थापक माना जाता है, मुंबई। क्लियर है ना। तो मुंबई, कलकत्ता, फ्रांसिस डे। मुंबई को जहां आप सपनों का शहर कहते हैं, वहीं कलकत्ता को आप महाराजाओं का शहर, राजा महाराजाओं का शहर कहते हैं। ठीक है ना। एक लोग बोल रहे सर आपकी तबीयत सही हो गई, तबीयत नहीं सही हुई, लेकिन एक है कि जो अंदर का जज्बा है ना वो जरूर जिंदा है। और ये तो तय है कि सर्दी जुकाम बुखार दो तीन दिन रहता ही रहता है, आज दूसरा दिन है, शायद कल तक और रहे, फिर सही हो जाऊंगा। गीत गोविंद के लेखक कौन है, कबीर, कालिदास, रविदास या जयदेव, बताइएगा। गीत गोविंद, सर गीत गोविंद लिखा हुआ है आपके जयदेव जी ने। कबीर की रत्नावली, दोहावली, ये सब फेमस है। कालिदास जी की आपकी रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमो वर्षीयम, यह सब फेमस है। एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में कौन सा मुस्लिम नेता शामिल हुआ है, बताइएगा। एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में कौन सा मुस्लिम नेता शामिल हुआ है, सोच समझ के बताएगा। सर चंद्रयान 3 का 10 मिनट शो का पीडीएफ, अरे अब तो किताब ही लॉन्च हो रही है यार, अब उसका क्या मतलब है, चंद्रयान का किताब में सब मिल जाएगा। तो होम रूल लीग में शामिल कौन सा नेता था, मोहम्मद अली जिन्ना। क्लियर है। अगला, आपातकाल के दौरान भी कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते। अब जरा एक बात जानना कि आपातकाल के दौरान आपके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, मूल रूप से अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 नहीं निलंबित किए जा सकते, जबकि बोलने का अधिकार 19 में है, धर्म किया धर्म का अधिकार 25 से 28 में है, समानता का अधिकार 14 से 18 में है। ये सब एक अलग मुद्दे है, ये सब निलंबित किए जा सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 में जो पर्सनल लिबर्टी की बात की गई है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, वो दोनों किसी भी कंडीशन में, इवन कि इमरजेंसी भी लगा हो, तो उन्हें आप निलंबित नहीं कर सकते हैं, डी ऑप्शन। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किसमें किया गया है, बताइएगा। सर देखिए मौलिक कर्तव्य, अगर आपके कर्तव्य की बात है ना, मतलब 51A, मतलब ए ऑप्शन, ठीक है ना। मौलिक कर्तव्यों का जिक्र हमें आर्टिकल 51A में मिलता है। मौलिक कर्तव्यों के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनी थी। मौलिक कर्तव्य वर्तमान में 11 हैं, क्लियर है, 11 हैं। 11वां कर्तव्य 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है, ठीक है। अगला, भारतीय कंपल्सरी यहां लिखी दूं, ठीक है ना। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है, आंसर करिएगा, किसमें मौलिक कर्तव्य शामिल है, बताइए। तो सर जाहिर सी बात है मौलिक कर्तव्य आपके 51A में है, 51A में है। अच्छा, आर्टिकल 48 में क्या है, आर्टिकल 50 में क्या है, आर्टिकल 44 में क्या है, आर्टिकल 40 में क्या है, मतलब ये डीपीएसपी वाले इंपॉर्टेंट वाले कुछ आर्टिकल हैं जो मैंने आपसे पूछा, ठीक है ना, जो मैंने आपसे पूछा कि ये क्या है, ठीक है ना, जो मैंने आपसे पूछा, तो बताइएगा क्या इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना।
जो मैंने आपसे पूछा, 48 जो है कृषि एवं पशुपालन संगठन है, ठीक है ना, कृषि एवं पशुपालन संगठन मतलब एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑर्गेनाइजेशन जो है। और उसके अलावा 50 में क्या है सर, जुडिशरी का मतलब न्यायपालिका का कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव से पृथककरण, जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से पृथककरण। आजकल आर्टिकल 44 UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ज्यादा चर्चा में है, और आर्टिकल 40 सर ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम गठन, ये सब ग्राम पंचायत का गठन किसमें दिया हुआ है, तो 40 में दिया हुआ है, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट आपके 44 इस समय चल रहा है जो करंट अफेयर में चर्चा में है। तो जो आगामी एग्जाम है कुछ दिन बाद होने वाले हैं, मैं लिख के दे सकता हूं कि यूसीसी से आपसे क्वेश्चन बनने वाला है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान दे करके, क्लियर है। अगला, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस समिति ने भारतीय संविधान में, सर भारतीय संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति, हम लोग इस पर बात कर चुके तो नहीं करेंगे। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहां से ली गई है, आपके न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से ली गई है यार, जहां तक मैं जानता हूं ब्रिटेन से नहीं ली गई है, सुपरमेसी ऑफ आपके न्यायपालिका अमेरिका से ली गई है, वो गड़बड़ है, ये नहीं, या फ्रीडम ऑफ जो न्यायपालिका है वो यहीं से ली गई, इसको एक बार मैं देखूंगा भी, आप लोग भी इसको प्लीज एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा के प्रतिनिधियों की संख्या निम्नलिखित में से किसमें से एक है, ठीक है ना। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा के प्रतिनिधियों की संख्या, अच्छा वर्तमान में कितने हैं सर, तो वर्तमान में आपके जैसे 250 में 12 राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, बचते कितने हैं, 238, ठीक है ना। अच्छा हाँ, नहीं यहां पे बनारसी पान जो तुम ये कह रहे हो ना कि आर्टिकल 50 में अंतरराष्ट्रीय शांति, ये गलत कह रहे हो, आर्टिकल 51 में इंटरनेशनल पीस दिया हुआ है, ठीक है ना, आर्टिकल 51 और 51 ए में आपके फंडामेंटल ड्यूटी दिया हुआ है। यहाँ कुछ लड़के लगातार इस कमेंट को किए, इसलिए मुझे इस क्वेश्चन पे वापस आना पड़ा। 51 में इंटरनेशनल पीस है, 50 में जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन ही है, 50 वो उसमें नहीं है, ये इसी में है, क्लियर है। वो तो अभी देखो ध्यान चला गया तो बोल दिए, नहीं तो गड़बड़ ही की हो, इंटरनेशनल पीस की बात 50 में है ही नहीं है, वो 51 में है, ठीक है। अब ध्यान चला जाए तो अपने कमेंट को वो कर लेना। अगला, तो ये हो गया अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्य, अभी तो हम लोग इसमें बात किए हैं, ठीक है ना, अभी तो हम लोग इस पे बात किए हैं, इसका सही आंसर है आपके सी ऑप्शन 12, ठीक है ना, इसका सही ऑप्शन आपके सी ऑप्शन 12। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, यार ना मैं ना अब ये क्वेश्चन से उब जा रहा हूं, अब ये आज तो मैंने पुराने उठा लिए, कल मैं जाऊंगा तुम लोगों के लिए दिल्ली मुखर्जी नगर, कल मैं निश्चित जाऊंगा, पूरी कोशिश, थोड़ा बस तबीयत साथ दे दे, और खूब नए नए क्वेश्चंस, खूब जैसे ना 10-12 साल के पुराने, कम से कम 5-10 पब्लिकेशन की किताब उठा के लाऊंगा, सबको देखूंगा, उसके बाद आपके लिए कल से क्वेश्चन लेके आऊंगा। दिमाग उड़ गया यार डी, ठीक है ना, अभी ये सब रट सा गया यार, मैं मतलब नहीं सही नहीं कह रहा हूं, रट नहीं गए हो, हालांकि यही पेपर के लिए इंपॉर्टेंट भी है, ऐसा थोड़ी है कि हम आप पढ़ना छोड़ दें तो अस्पृश्यता का कानून पूछेगा नहीं, पूछेगा और ये खूब पूछेगा, ये सच है कि नहीं, ये आज के 4 साल बाद भी मैं पढ़ाऊं ना तो पढ़ाना पड़ेगा इसमें कोई, क्योंकि हर बार नए बच्चे आते हैं, हर बार ये क्वेश्चन आता है तो पढ़ाना तो पड़ेगा ही। अब उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में दिया है, ना बताऊं तो क्या करूं, इसको बताना तो पड़ेगा ही कि हाँ सर रहना ही रहना है, ठीक है। अगला, उपराष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है, यहां पे अध्यक्ष नहीं मतलब प्रेसिडेंट का हिंदी आपके जानते हो, राष्ट्रपति होता है संसद, ठीक है ना, संसद हटा सकता है। अगला, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे बताइएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो सर राज्य पुनर्गठन आयोग के सैयद फजल अली हुआ करते थे राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट, भारत पूर्ण रूप से सार्वभौमिक लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना, 26 जनवरी 1950 को बना, अब आसान इस पे क्या ही मैं डिस्कस करूं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, लोकसभा के सदस्य, प्रधानमंत्री, निर्वाचन आयुक्त या राज्यपाल, तो निम्नलिखित में से कौन, तो सर निम्नलिखित में से गवर्नर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन,
भारतीय संविधान में कितने प्रकार के परमादेश हैं? सर 5 प्रकार के परमादेश हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों जारी कर सकते हैं। जिस समिति के अनुशंसा पे पंचायती राज लागू किया गया उसके प्रमुख कौन थे? सर उन्हें इसका जनक भी कहा जाता है और वो हुआ करते थे बलवंत राय मेहता जी, जो 1957 में कमेटी बनी, 1958 में उन्होंने अपना रिपोर्ट लाया, प्रायोगिक तौर पर आंध्र प्रदेश में पहले लगा, फिर ऑफिशियली इसको 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में लगा दिया गया। नेक्स्ट, मेयर का कार्यकाल, सर मेयर का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार, सर देखिए यूरेनियम का ऑस्ट्रेलिया और संग्राहक अमेरिका है, लेकिन थोरियम का भारत है। थोरियम का सबसे बड़ा भंडारक कौन है? तो खुद भारत है थोरियम का सबसे बड़ा भंडार। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, हिंद महासागर में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? सोच समझ के बताइएगा। हिंद महासागर अगर आप देखें तो चारों ऑप्शन के हिसाब से सबसे छोटा इसमें मालदीव, क्लियर है ना, सबसे छोटा कौन सा है तो मालदीव है ऑप्शन के हिसाब से जाने पे। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर, इन टर्म्स ऑफ लंबाई नहीं पूछ रहा है, ये बात याद रखना, इन टर्म्स ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है। अच्छा, वह पहला शासक जिसने सिंचाई कर लगाया था वो कौन था? याद रखना, सिंचाई कर फिरोज शाह तुगलक, इसने इसका नाम रखा था हक ए सर्ब, ठीक है ना, हक ए सर्ब नाम से पहला शासक जिसने सिंचाई कर लगाया था, दैट इज फिरोज शाह तुगलक। क्लियर है सर? ये मेयर क्या होता है? मेयर, अरे यार शहरों में जो नगर पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होता है, नगर निगम नगर पालिका, वो मेयर। अगला, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, इंदिरा गांधी नहर। वैसे मैं जानता हूं आप सब इसको सही करते, बस मैं थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इतना बोला कि सिंचाई ये वो, ताकि थोड़ा सा तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो हिले और फिर तुम गलती करते हो कि नहीं। एग्जामिनेशन हॉल में होता क्या है, कॉन्फिडेंस हिल जाता है कई बार, कॉन्फिडेंस हिलता है। अगला, निम्नलिखित में से भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए सबसे प्रमुख कच्चा माल कौन सा है? खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम या कोयला? ऊर्जा उत्पादन के लिए सबसे उत्पादन के लिए सबसे प्रमुख कच्चा माल है कोयला। विश्व में एस्बेस्टस का प्रमुख उत्पादक है, बताइएगा विश्व में एस्बेस्टस का प्रमुख उत्पादक कौन है? सोच समझ के बताना, विश्व में एस्बेस्टस का। आज के क्वेश्चंस बस प्रैक्टिस लायक है, मुझे बहुत खुशी नहीं मिली इन क्वेश्चन से। बी ऑप्शन रूस। तुम कल से क्वेश्चंस देखना शाम के, ठीक है ना, कल से तुम लोग खुश ना हो गए ना, बस थोड़ा आज जो मेरी तबीयत थोड़ी लो है, हो सकता है कल और अच्छी हो जाए, क्योंकि आज मेरे जुखाम बुखार का दूसरा ही दिन है तो वो थोड़ा सा असर डाल रहा है, बाकी सब तो सही है। विश्व में एस्बेस्टस का प्रमुख रूस। अगला, मोह पैमाने का प्रयोग किस लिए? अब इसमें देखो मोल्स लिखा है, मोह, ठीक है ना, व्हाट इज द मोह स्केल यूज्ड फॉर? जो मोह यूज होता है खनिजों की कठोरता को मापने के लिए, ठीक है ना, खनिजों की कठोरता को मापने के लिए। अगला, कुतुब मीनार में स्थित है, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, ठीक है ना, बताओ। तो सर कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? सर दिल्ली में स्थित है, आपके वो मेहरौली परिसर में स्थित है, जहाँ पे गुप्त वंश का लौह स्तंभ भी है, इल्तुतमिश का मकबरा भी है, अलई मीनार भी है, अलई दरवाजा भी है, सब एक ही जगह है कुतुब मीनार परिसर में। निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ बाण गंगा महोत्सव जुड़ा हुआ है? बाण गंगा, पंजाब, सिक्किम, उत्तराखंड या महाराष्ट्र? सर ये निश्चित तौर पे महाराष्ट्र, बाण गंगा आपके मध्य प्रदेश का भी इससे बहुत बड़ा संबंध है, बाण गंगा परियोजना है। अगला, प्ले स्टेशन का आविष्कार किसने किया है? राइट बंधु, ठीक है ना, प्ले स्टेशन, व्हाट इज दिस, केन कुटारागी, हट, प्रकाश की तीव्रता को मापने को, अच्छा प्रकाश की तीव्रता सबसे पहले किसने नापी थी, वो क्वेश्चन भी एक आध बार खूब पूछ देता है, तो याद रखना रोमर नाम के साइंटिस्ट ने प्रकाश की तीव्रता नापी थी, और इसका राइट आंसर है आपके ल्यूसी मीटर, ठीक है ना, प्रकाश की तीव्रता को मापने के यंत्र को ल्यूसी मीटर कहा जाता है। ये मजेदार क्वेश्चन लगा मुझे, ये ठीक लगा है। किस त्यौहार के दौरान खासी जनजाति द्वारा नोगे क्रम नृत्य किया जाता है? तो नोगे क्रम नृत्य किया जाता है वांगला, ठीक है ना, त्योहार के दौरान, वांगला त्योहार के दौरान नोगे क्रम नृत्य होता है। किसका ज्वलन ताप सबसे कम होता है, बताइएगा किसका ज्वलन ताप सबसे कम होता है? सोच समझ के आंसर करना। सर जी एमटीएस की बुक, यार एमटीएस की बुक या आपके जो करंट अफेयर की बुक है उसके आने में अभी 5-7 दिन है, मैं करंट अफेयर के ऊपर जो पिछले 6-8 महीने का बुक है उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, जब तक 5,000 किताब छप न जाए तब तक मैं उससे मतलब नहीं रखूँगा। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा, ये पुराने क्वेश्चन हैं,
ठीक है ना, पद्म गदम पदा रेड्डी भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े थे? तो वो आपके जुड़े थे ए ऑप्शन कुचिपुड़ी से। खैर अब चूंकि ये पुराने इसलिए मैं इन पे बात नहीं करने वाला हूं, और जो आज के लिए मुख्य है वो आप जाने, ठीक है, मैं कल से आपके लिए वो एफर्ट पुट कर दूंगा जिसके लिए आप हमारे साथ जुड़े हुए, ये आपसे मैं वादा करता हूं। अच्छा, एसएससी एमटीएस जनरल स्टडीज कैप्सूल बैच आपके लिए लॉन्च हुआ है, ये 21 जुलाई से पढ़ाया जाएगा। जो लोग अभी भी एमटीएस की वैल्यू 21 जुलाई इस फॉर्म भरने की भी लास्ट डेट है, एमटीएस का फॉर्म जो लोग अभी तक ना भरे हो भर लो, 10वीं पास योग्यता के ऊपर ये आया हुआ है, जिसमें मुख्य रोल आपके आप जानते ही हो कि इंग्लिश और जीएस निभा रहे हैं, लेकिन आपको मैथ और रीजनिंग को इग्नोर करके नहीं चलना है, इसको भी क्वालिफाई करना ही करना है। तो ये बात आप याद रखिएगा, एसएससी एमटीएस जनरल स्टडीज का बैच आपके लिए आ गया है, और इस बैच से जुड़ने के लिए आप जान रहे हैं एमटीएस में मेरा कोड क्या है, Y182, इस कूपन कोड का आप प्रयोग करेंगे, क्लियर है ना, इस कूपन कोड का प्रयोग करेंगे तो फिर आप मेरे सानिध्य में जुड़े रहेंगे। अभी इसी एसएससी एमटीएस के लिए मेरा कंप्लीट जीएस का बैच जिसमें मैं वरदान पढ़ा रहा हूँ, चूंकि वरदान में मैं बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड था, फिर मुझे अपने दोस्त और साथी का मदद लेना पड़ा, अपने कलीग्स का कि भैया आप लोग भी मेरी मदद करें तो ये बैच अच्छा हो जाएगा, तो दोनों सर और मैम लोग रेडी हुए कि हाँ सर एक कैप्सूल कोर्स टाइप का, कि कम समय में ज़्यादा कुछ अच्छा बताया जा सके। तो Y182 कूपन कोड लगा करके आप एसएससी एमटीएस जनरल स्टडीज के इस कैप्सूल बैच के साथ जुड़ सकते हैं, क्लियर है, कैप्सूल बैच के साथ जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। और हाँ, मेरी करेंट अफेयर की बुक जो कि 6 महीने की नाम की है, वास्तव में वो 8 महीने की, वो आपके लिए बहुत जल्दी जुड़ने वाली है। और जब तक अब आपका एग्जाम ना हो जाए, डेली सुबह 8 बजे करेंट अफेयर की क्लास में जुड़ा करो, डेली सुबह करेंट अफेयर की क्लास में जुड़ा करिए, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय। एमटीएस के बैच को लेने के लिए कैप्सूल बैच को आप Y182 कूपन कोड का प्रयोग करिएगा, तो आपको ये बैच जो है वो मैक्सिमम छूट पे मिल जाएगा। आज आपकी 19 जुलाई है, 21 जुलाई से ये बैच शुरू हो रहा है, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। अरे ये यार 199 रुपए का पड़ेगा, क्लियर है ना, ये बैच मैं बता भी दे रहा हूं कहां से ले सकते हो। और मैं तो तुम लोग से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यार सब लोग जो लोग अभी तक कुछ नहीं, मतलब एक्शन नहीं ले पाए, एक आखिरी मौका है, आप जुड़ सकते हैं इस बैच के साथ। आप यहां देखिए, आप क्या करिए, आप गूगल के ऊपर जाइए, जब आप गूगल के ऊपर जाएंगे, गूगल के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे अड्डा 24/7 सर्च मार देंगे, फिर यहाँ ऑल कोर्सेज, ऑल कोर्सेज में जाएंगे, एसएससी में जाएंगे, एसएससी एमटीएस में जाएंगे, और आपको ये जीएस का बैच दिख जाएगा, कैप्सूल कोर्स, ठीक है ना। और ये 869 में नहीं रहेगा, आप इसको क्या कर देंगे, व्यू ऑफर पे क्लिक करके जो मैं आपको कोड बता रहा हूँ वो कोड आप लिख दीजिएगा, यहाँ पे वो कोड लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे Y182, और जब आप Y182 लगाएंगे, अप्लाई कर देंगे, तो ये बैच आपको 199 में पड़ेगा। अड्डा के ऐप के थ्रू लेंगे तो ये और 2-4-5 रुपए सस्ता हो जाएगा, लेकिन एक बात बहुत ध्यान रख करके कि सर Y182 कूपन कोड के साथ इसको लेना, तो ही आपकी जो सूचना है, जानकारी है Y182, ये वो कूपन कोड है जो आपके इस चीज को 199 रुपए में पहुंचा देगा, ठीक है ना। और ये आप सभी को याद ही हो गया होगा कि सर आशुतोष सर इस बैच के साथ जुड़े हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, इस कूपन कोड से लोगे, मेरे पास आपकी जानकारी रहेगी, ठीक है, मेरे पास आपकी जानकारी रहेगी कि भैया आशुतोष सर से ये जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो ये आपका कूपन कोड है जिसको आपको ध्यान रखना है, कूपन कोड, क्लियर है। और ये क्रैश कोर्स बैच है, 21 जुलाई से ये शुरू हो रहा है, मतलब परसों से, परसों इसमें पहली क्लास मैं ही लूंगा, ठीक है, पहले इसमें पहली क्लास परसों मैं ही ले रहा हूं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज थोड़ी तबीयत नहीं अच्छी है इसलिए मैं उतना ज्यादा जोर नहीं लगा पा रहा हूं। हाँ, आपके करेंट अफेयर की समस्या किसी भी एग्जाम के लिए दूर करने के लिए, करेंट अफेयर्स के लिए यार मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आपके लिए 28 जुलाई को मैं करेंट अफेयर की बुक आपके लिए लॉन्च करने वाला हूं। वो नाम के लिए तो 6 माह की होगी, लेकिन कायदे से कहें तो उसमें 8 माह होगा, उसमें मैं 30 से ज्यादा टॉपिक कवर करूंगा द 10 मिनट शो के। तो मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, और मैं चाहता तो अभी लॉन्च कर दूं, लेकिन वही कि सर
मैं इसलिए रुका हुआ हूं करंट अफेयर में कि पहले वो 5000 किताब छप के आ जानी चाहिए जो पहली रात के लिए मेरे पास लॉन्चिंग के समय हो। बस मैं इसलिए, तो मैं आप सबसे, जितने लोग मुझे देख रहे हो, जितने लोग मुझे सुन रहे हो, 28 जुलाई के सुबह में 8 बजे आपको आमंत्रण है, पहले तो एक मैराथन क्लास के लिए और उसके बाद इस करंट अफेयर बुक के लिए। 5000 इसलिए लॉन्च कर रहा हूं क्योंकि ठीक है उतनी बुक्स रहेंगी, चली जाएंगी, जो सीरियस कैंडिडेट बहुत ज्यादा नहीं रहेंगे, ठीक है ना। हाँ भैया सूरज जी, तो ये 5000 बुक 28 जुलाई के सुबह 8 बजे, ठीक है ना, सब लोग रेडी हो ना। और हाँ, उस करेंट अफेयर की बुक में आपको कौन कौन से टॉपिक चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जैसे आज सुबह बहुत सारे स्टूडेंट ने अपने अपने टॉपिक बताए कि सर ये टॉपिक करेंट अफेयर के बुक में होने चाहिए, मैंने उनके सुझावों को पेन कॉपी पे नोट किया है, तो आपके भी सुझाव को मैं पेन कॉपी पे नोट करके रखूंगा। आप ये मत सोचिएगा कि मैं YouTube पे खड़ा हूं आपकी बात ही नहीं सुन रहा, मैं बिल्कुल आपकी बात पे ही चलूंगा। तो इसलिए आप अपने सुझाव बेहिचक भेजा करो, तुम्हारा ही दोस्त हूं, ठीक है ना। लल्ला प्राइस इस करंट अफेयर की बुक की इतनी कम रखूंगा ना कि तुम भी खुश हो जाओगे। प्राइस की छोड़ दो, मैं लिख करके दे रहा हूं कि इस बार की जो करंट अफेयर की बुक आ रही है अर्धवार्षिकी, आप खुश हो जाओगे उसके टॉपिक देख करके। आप मेरा 10 मिनट देखते होंगे, उसके टॉपिक और उसका क्वेश्चन सिलेक्शन भी आप देखते होंगे, तो वो आपको अच्छे से याद रहेगा, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान दीजिएगा, अपनों का ध्यान दीजिएगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।